लबनान में हज़्बे अल्लाह और मसीही रिहायशियों के दरमियान झड़पों में दो अफराद हलाक हो गए। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक बैरूत और दमिश्क के दरमियान वाकया सड़क पर मलेशिया का ट्रक उलटने के बाद फायरिंग हुई, जिसमें हज़्बे अल्लाह का एक रुकन और 60 साल शहरी हलाक हो गया। हज़्बे अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी कि हादसा का शिकार ट्रक इन्हीं का है और इसकी हिफाजत करते हुए उनका एक रुकन भी हलाक हो गया। हज़्बे अल्लाह का कहना है कि ट्रक वादी अलबका से रवाना हुआ था और इसे जाए हादसे से हटाने में मदद फराहम करने के लिए तंजीम के दीगर अरकान से राबता किए गए हैं। हज़्बे अल्लाह ने कहा कि इलाके में मौजूद मलेशिया के मसलह अफराद ने ट्रक पर पथराव किया और बाद में फायरिंग की, जिससे ट्रक की हिफाजत पर मामूर हज़्बे अल्लाह का एक रकन जख्मी भी हुआ। जख्मी रुकन का अस्पताल पहुंचाया गया, तहम बाद में उनकी मौत वाकया होगी। सियासी जमात लबनानी फोर्सेस ने हज़्बे अल्लाह के अस्करियत पसंदों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जाए हादसा पर जमा होने वाले शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की, जिससे शहरी फादी यूसफ हलाक हुए जो ट्रक ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने कहा कि उन्होंने वाकये से मुतालिक लबनानी मसलह अफवाज के कमांडर से बात की और तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का कहा है।